Former Home Minister of Haryana Asad Shanil Vij strongly criticized the recent statements made by Congress Sam Pitrota and said that the knowledge Sam Pitrota has shared yesterday implies that there were no original people in India. Everyone came from outside. Some came from Arabia, some from China and some from Europe. While they do not know that India has the oldest civilization, he said it's Congress theory to divide and rule India. का मंजूर भी कर लिया गया है, किस तरह से देखते हैं उनके अस्तित्व? देखिए, सैम पित्रोदा ने जो कल अपना ज्ञान बांटा लोगों में, उसका अर्थ तो ये है कि हिंदुस्तान के कोई ओरिजिनल लोग नहीं थे, सारे बाहर से आए हुए थे। कोई अरब से आया था, कोई चाइना से आया था, कोई यूरोप से आया था। जबकि इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान सबसे पुरानी सभ्यता है। राखी गढ़ी में हरियाणा में जो खुदाई हो रही है उसकी कार्बन डेटिंग कराई गई है, 8,000 साल पुरानी, विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान की है। और अभी जो कंकाल मिले हैं उनका डीएनए भी कराया जा रहा है, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा अभी क्या थे, कौन थे, किस डीएनए से उनका मेल खाता था। ये तो हिंदुस्तान को कांग्रेस की बांटो और राज करो थ्योरी है। और जैसे पित्रोदा जी ने कहा है, कल मैंने पहली बार राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की फोटो निकाल कर देखने की कोशिश की कि पित्रोदा के फार्मूले के अनुसार ये क्या है। तो उसमें राहुल गांधी तो साउथ अफ्रीका का लगता है और जो प्रियंका है वो यूरोप की लगती है।